राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज 18 तारीख और मैं जा रही हूँ पार्लर पे, क्योंकि थ्रेडिंग काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही है, थ्रेडिंग करा के आनी है। और एक बार बाज़ार भी जाऊँगी शायद, मैं टाइम लगा तो लेकिन अभी मैं निकल ही रही हूँ। पहले बच्चों को ट्यूशन छोड़ देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ पार्लर। तो चलिए चलते हैं, फिर वहाँ का थोड़ा सा दिखा दो। हाँ, कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं। चलो ठीक है, चलते हैं अभी पहले पार्लर पे। मार्केट से आ चुकी हूँ और थ्रेडिंग भी करवा ली। अच्छा लग रहा है ना चेहरा? काफ़ी दिन हो गए थे तो थ्रेडिंग वगैरह भी करवा ली और मैं मार्केट भी होके आई हूँ। एक दो बच्चों का सामान लेके आना था और धर्मश्री के लिए एक सरप्राइज़ लेके आई, मतलब गिफ्ट है, सरप्राइज़ गिफ्ट है। वो मैं परसों ही देऊंगी उनको, जब करवा चौथ होगी तब हो सकता है वो फास्ट रख ले मेरे लिए, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं उन्हें दे दूँ। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ उनके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट, तो मैं उनको दूँगी परसों। तो बस आज तो मैंने इतना ही कुछ किया है और बाकी अब आगे क्या करूँगी वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती रहूँगी। और हाँ, मैं मुझे क्या पहनना है वो मैंने अभी तक भी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि मैं कुछ भी नया नहीं लेके आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कुछ भी नया नहीं पहन रही हूँ। जो जो मेरे पास पहले की सारी चीज़ें हैं मैं वही पहनूंगी। और हाँ, चूड़ी मैं लेके आई हूँ अपने लिए, तो वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी बाद में वीडियो में। रेड वेलवेट मैं लेके आई हूँ मैं 2 डिब्बे, और कड़े वगैरह मेरे पास काफ़ी रखे हैं, मैं उसी में मैचिंग करके अपना सेट बना लूँगी। तो बस अभी बाकी और काम करते हैं, अभी घर का खाना वगैरह बनाना है तो वो काम में लगती हूँ, अभी वो करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और आज मतलब कल मैं गई थी मार्केट और मैंने कल कुछ नहीं दिखाया था कि मैं क्या लेके आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि कल तो बच्चे भी यहीं थे, मम्मी और धर्मश्री सारे यहीं थे, तो उन्हें पता लग जाता कि मैं धर्मश्री के लिए क्या लेके आई हूँ। तो आज मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कल मैं मार्केट से क्या लेके आई थी। तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ कुर्ता, ये ग्रीन कलर का है, और मैं सोचती हूँ ओपन कल ही करके दिखाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, उनका रिएक्शन बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। हालांकि यही कहेंगे कि मैं अपना वही पहन लेता जो मेरे पास था पहले से ही। तो जब मैं जयपुर गई थी ना तब लेके आई थी पिछले साल उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का कुर्ता, तो वो उन्होंने पिछली वाली दिवाली पे पहना था, लेकिन मेरा मन था कि मैं इस बार उनके लिए नया कुर्ता लेके आऊँ। हालांकि कुर्ते उनके पास बहुत है, लेकिन हैवी कुर्तों में उनके पास इतने नहीं हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अपनी पसंद का कुर्ता लेके आऊँ और करवा चौथ पे उनको गिफ्ट दूँ। मैंने पूछा था ऐसे कि धर्मश्री आप क्या पहनोगे कल, तो उन्होंने बोला जो मेरे पास कुर्ता रखा है ना उसके प्रेस वगैरह करके रख देना, थोड़ी देर के लिए ही तो पहनना है, वही पहन लूँगा। लेकिन मैंने नहीं बताया, मैंने कहा ठीक है चलो मैं करके रख दूँगी। और अपने लिए मैं सिर्फ लेके आई हूँ चूड़ियाँ, 2 डिब्बी है मेरे पास, तो ये मैं लेके आई हूँ रेड वेलवेट में। तो इनका मैं सेट बनाऊंगी, क्योंकि कड़े वगैरह मेरे पास बहुत सारे रखे हैं, चूड़ियाँ भी बहुत रखी हैं, लेकिन ये रेड वेलवेट में मेरे पास नहीं थी, तो मैं ये वाली ले आई 2 डिब्बियाँ। अब मैं इनका सेट बनाऊंगी कल, तो अभी तक तो मैंने खुद ही डिसाइड नहीं किया था कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ। हालाँकि मैंने एक लहंगा अपने लिए निकाला है और ये बहुत पुराना लहंगा है, पता है मेरी शादी के टाइम इसको हो गए होंगे 9 साल, मेरी शादी को 10 साल हो गए और इसको शायद 9 साल हो गए होंगे, और ये तब से ही मेरे पास रखा है, मैंने ट्रैकलिंग वगैरह करा के रख रखा था। तो ये इसका दुपट्टा है रेड वाला, तो मेरा मन था कि मैं मतलब ये पहन लूँ दुपट्टा ये, लेकिन मेरे पास एक दुपट्टा हैवी ये भी है जो मैं बाद में लेके आई थी, ये पहले का नहीं है और ना ये मेरी शादी का है, ये मैं बाद में लेके आई थी, और ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, गोल्डन कलर का है और रेड कलर की इसकी ये जो बॉर्डर है वो है। तो हो सकता है मैं ये वाला दुपट्टा पहनूँ या फिर ये रेड वाला ही पहनूँ। तो अभी मेरा कुछ मूड नहीं बना है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं, तो वो कल तक देखती हूँ बन जाएगा शायद मेरा मूड। एक मैं रेड कलर की लिपस्टिक लेके आई थी कलर बार की ब्यूटी, डेट नाइट पता नहीं क्या है, बहुत ही अच्छी है वैसे, 200 की है यार। और ये चीज़ें मैं अपने लिए लेके आई थी, और ये कुर्ता मैं धर्मश्री के लिए लेके आई थी, और जो मैंने अपने लिए निकाला है लहंगा हो सकता है मैं यही पहनूँ, तो लेकिन कल तक मूड बदल भी सकता है। बहुत सारी साड़ियाँ भी रखी हैं मेरे पास हैवी, तो हो सकता है मैं साड़ी पहन लूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मन कर रहा है मैं यही वाला पहनूँ, क्योंकि बहुत साल हो गए इसको रखे रखे, ये बेचारा तब से रखा ही है, मैंने नहीं पहना है,
तो सोच रही हूँ यही पहन लूँ। और अभी बस मेहंदी लगाने के लिए आने वाली है, फिर मैं लगाऊंगी अपने हाथों पे मेहंदी, और जब आएगी तब मेहंदी भी मैं दिखा दूंगी। तब तक मैं इन सारी चीज़ों को उठा के रख देती हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, मैंने क्या निकाला है, मैं धर्मश्री के लिए क्या लेके आई हूँ। तो मैं अपनी सारी चीज़ें अभी छुपा के रखूँगी, मैं किसी को नहीं बताने वाली, और कल सबके लिए सरप्राइज होगा। हाँ, हालांकि धर्मश्री का रिएक्शन देखने लायक होगा जब वो यही बोलेंगे, पता है मुझे क्या बोलेंगे, क्यों लेके आई है, यही वाला पहन लेता मैं। तो उनका रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है मुझे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, चुपचाप से दिखाऊंगी। और तो अभी मैं अपना सामान उठा करके रख देती हूँ। सबसे पहले मैं एक कुर्ता उठा के रख देती हूँ। तो ये मैंने बच्चों को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बच्चों को बता दिया ना तो उन्हें मतलब ऐसे करेंगे, पापा आप कल क्या पहनने वाले हो पापा। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने इसको कल नहीं दिखाया था, इसलिए आज दिखा रही हूँ। और बस फिर अभी मेरे लगेगी मेहंदी, तो मैंने आटा वाटा लगा के रख दिया है, क्योंकि फिर बहुत मतलब फिर धोनी नहीं पड़ेगी मुझे, रोटियां बनानी रहेगी तो वो तो मम्मी भी बना लेगी, इसीलिए मैं अब ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। और कल जब मैं रेडी होंगी बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊंगी। अभी मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, मेहंदी मैं आज ही दिखा दूँगी, आज वाली वीडियो में ही मेरे कैसी मेहंदी लगने वाली है। हालाँकि काफ़ी लेट हो रहा है, मैंने बहुत जल्दी के लिए बोला था, लेकिन नहीं आई कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आ जाएंगी, थोड़ा लेट लगवा लूँगी मैं, आएंगी तब मैं आपको दिखा दूँगी मेरे में कैसी मेहंदी लगने वाली है। मैं सोच रही हूँ अगर वो नहीं लगा पाएंगी, लेट हो जाएगी, तो पैरों के तो मैं खुद ही लगा लूँगी। हालांकि मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, लेकिन अब मन नहीं करता लगाने का, पता नहीं जब से डिस्क प्रॉब्लम हुई ना तब से बैठने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, तो मेरा मन भी बहुत कम करता है, तो इसीलिए मैं नहीं लगाती, वरना मैं खुद से इतने और पैरों पे भी खुद ही लगा दी थी पहले मेहंदी। हालांकि एक हाथ पे लगती है, दूसरे हाथ पे खुद से नहीं लगती, एक ये भी प्रॉब्लम है मतलब मेहंदी ना लगाने का, वरना तो मेहंदी मैं ही बहुत अच्छी लगा लेती हूँ। पर अभी मैंने बुला लिया है तो वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तो तब मैं लगवा लूँगी, तब तक मैं ये सारी चीज़ें उठा करके रख देती हूँ। और चलो पहले रख देती हूँ, और मैं आ गई थी धर्मश्री के साथ मार्केट, क्योंकि हमें लेना था काफ़ी सारा सामान, घर का काफ़ी सारा सामान ख़त्म हो रखा था, तो ये ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ पतंजलि। तो पहले हम अपना घर का सारा सामान ले लेते हैं, पहले हम सामान लेते हैं। और अभी तक मेरे मेहंदी नहीं लगी है, क्योंकि मेरी मेहंदी वाली नहीं आई ही, इसलिए मैं मार्केट आ गई कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो घर पे ख़त्म हो गया है और लेना ज़रूरी है, साबुन वगैरह सब ख़त्म हो रखी है। तो हम लोग सामान ले रहे हैं, कौन सी है ये? हाँ हाँ ये ले लो, अभी तो एक ही ले लो बस, और निरमा भी लेना है। तो पहले हम लोग अपना सामान ले लेते हैं, और मैं बाज़ार से सामान लेकर के आ चुकी हूँ। और पता है अभी पता चला मुझे कि मेहंदी वाली नहीं आएगी, यार बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो रहा है और अब मुझे पता चल रहा है कि वो नहीं आएगी, तो सच्ची में माइंड इतना अपसेट हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। अगर मुझे जल्दी पता चल जाता, जल्दी बता देती, तो कम से कम मैं कहीं और तो मैनेज कर लेती। अब मैं देखती हूँ कैसे क्या करूँगी, मेहंदी तो लगानी है, मन था पूरे दोनों हाथों को भर के और तब मेहंदी लगाने का, रोना आ रहा है मुझे, सच्ची बता रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि बस दिमाग आउट हो गया मेहंदी के नाम से, चलो कैसे न कैसे मैनेज करना ही है। अब फाइनली मेहंदी लगाने के लिए आ गई है, और ये वो नहीं है जो पहले आने वाली थी, उसने तो मेरा काम ही बिगाड़ दिया। और ये ना पहले मेरे मेहंदी लगाती थी, पहले ये यहीं पे रहते थे घर के पास में ही, अब ये काफ़ी दूर चले गए हैं, काफ़ी दूर घर बना लिया अब इन्होंने। ये गुड़िया है ये लगा रही है मेरे मेहंदी, और मैं अपनी मेहंदी एक बार दिखा देती हूँ आपको। पूरे हाथ पे मेहंदी लग रही है मेरे पे, कितनी सुंदर मेहंदी लग रही है ना, जब पूरी लग जाएगी ना तब और भी अच्छी लगेगी। बहुत टाइम लग गया यार, सच्ची में मेरे को रोना आ रहा था कि मेरे मेहंदी नहीं लग पाएगी, लेकिन धर्मश्री इनको लेके आए हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दूर घर बना लिया, अभी काफ़ी दूर रहते हैं यहाँ से, वरना पहले पास रहते थे तो मेरे मेहंदी लगाने के लिए आ ही जाती थी
और अभी धर्मश्री ने हमारे लिए कॉफ़ी बना दी थी, तो हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। मुझे गर्म गर्म पीने की आदत है, तो मैंने तो अपनी जल्दी ही पी ली थी, फिर मुझे दूसरे हाथ पे भी लगवानी थी, और लेट काफ़ी हो गए थे। ये रात को शायद 9 बजे तक आई थी, और यार एमरजेंसी में आ तो गई इतनी लेट, वो भी तो बस मेरी मेहंदी लग चुकी थी और मैं 10:30 बजे फ्री हो गई थी, मुझे नींद भी आ रही थी, तो बस अब सोना है। ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।